नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। रोजी रोजगार लगा दाव पर। जी हां, विंध्यवासिनी धाम में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार किया जाना है, जिसमें पंडा समाज और प्रशासन की नोकझोंक सामने आई है। विंध्याचल के पंडा समाज का कहना है कि रोजी रोजगार दाव पर लगा है, मुआवजा भूस्वामी को मिलेगा। जो लोग पिछले 50 वर्षों से दुकान खोलकर रोजी रोटी कमाने आए हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा? सरकार उन दुकानदारों को क्या देगी जो अपनी रोटी कमाने आए हैं? ये कैसा विकास है जिससे लोग रोजगार को तरस जाएंगे? विंध्यवासिनी धाम का सुंदरीकरण और पंडा समाज आमने सामने, कई भूस्वामियों के सारा घर दुकान सब खत्म हो जाएगा। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अन्नपूर्णा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चौड़ीकरण कर। आपका नाम क्या है? पंकज द्विवेदी हमारा नाम है, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ विंध्य पंडा समाज। धन्यवाद अंकल। कुछ बताइए, यहाँ पर जो है ये जो मीटिंग रखी गई थी, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? हम लोग विकास के लिए सहमत जरूर हैं, लेकिन इतनी 50 फिर जो ले रहे हैं वो 50 है जब गली बहुत उसको बनावा, 10 की गली, उसके बाद सबकी रोजी रोजगार भी रहेगा, सबका व्यवसाय भी रहेगा और मंदिर पर आने जाने वाले जाते हैं। ये 50 फुट इसमें अभी कोई किसी की बातें नहीं है। इसमें सीधे सीधे जिलाधिकारी से मांग किया गया कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, हम सबके बीच एक लिखित रूप से, जिससे हम सब अवगत हो, जानकारी हो और जब उसको देख करके तब हम लोग कुछ अवगत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई सहमति नहीं हो, उससे मैं ही मांग किया। हम सरकार का सम्मान करते हैं, उसके बाद हम लोग को जब तक ये नहीं मिलेगा लिखित कि यहाँ क्या होगा, क्या इसके आगे हम लोग क्या किया जाएगा, तो उसके हम क्या कार्रवाई करेंगे? जब तक लिखित नहीं होगा तब तक उसके आगे हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि बगैर तोड़ फोड़ के भी यहाँ विकास हो सकता है। यहाँ विकास के अनेक चांसेस हैं, उसका विचार करने की जरूरत है। सरकार चाहे तो बगैर किसी की रोजी रोटी छीने बगैर यहाँ एक अच्छी व्यवस्था, कुछ कहना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी? यहाँ पर साधन सुविधा को बढ़ाइए, उसके बाद आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले, उनको ठहरने की भी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जितने यात्री जो घूमने वाले लोग हैं उनको सुविधा मिले और तमाम सुविधाएँ हैं जो यहाँ पर सक्रिय हैं। अगर किसी को रोजी रोजगार तोड़ने की जरूरत तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, यह सरकार की इच्छा। मुआवजा की बात छोड़िए, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये कोई विश्व स्तर का मंदिर नहीं है, न राष्ट्र स्तर का मंदिर है। अगर रोजी है तो छह दर द्वार दो नवरात्र में ही थोड़ा सा भूख बढ़ जाती है, इसके लिए व्यवस्था होती है। जिसमें 50 फीट के अंदर स्थान हमारा मकान है, हम दो बन जाते हैं, पूरे घर की संख्या करीब 20 में होती है, जिसे हम लोग चीज़ें खाते हैं, रोजी रोटी से भी चलता है, पढ़ाई लिखाई सब उसी से चलता है। अगर वो चला जाएगा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे,
इससे हम संतुष्ट हैं। अभी तो जिलाधिकारी जी ने बोला है कि अगला मीटिंग हम भेज देंगे, अगला मीटिंग भेज देंगे। आज तक तो बात इसी जगह समाप्त होती है, अगला मीटिंग में जब बैठेंगे तब हम अपनी अपना कुछ कार्य करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं अन्नपूर्णा श्रीवास्तव खास न्यूज इंडिया से मिर्जापुर से संवाददाता। मैं यहाँ पर जैसे मैंने अभी एक घंटे पहले मैंने आपको दिखाया यहाँ का जो चर्चाएं चल रही है विंध्य क्षेत्र को एक सुंदरीकरण के हिसाब से जो है उनको तैयार करना है और ये मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। जैसा कि एक तरफ से 20-25 फीट एक तरफ से 20-25 फीट एक तरफ से ये लोगों की दुकानें चली जाएंगी, कितनों के मकान चले जाएंगे, कितने का रोजी रोजगार बंद जाएगा, उसके विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी। यहाँ सम्मानित लोग बैठे हुए हैं और ये मीडिया से भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंडा समाज के अधिकारी लोग भी हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप ये कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में जो यहाँ पर चल रहा है सर? विंध्याचल के संस्कृति और रोजगार के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जैसा कि जो लोग भी नापजोक कर रहे हैं, अभी माप का किसी भी प्रकार का सूचना किसी भी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं कि लोगों का कितना फिट जाना चाहिए, इसमें काफ़ी आक्रोश आमजन लोगों में है। उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ के आम जनता को काफ़ी विश्वास है माननीय श्री योगी जी महाराज के ऊपर कि जो भी न्याय करेंगे हम लोगों के पक्ष में करेंगे, हम लोगों को देखते हुए करेंगे। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं या न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जैसा कि हमारे तीर्थपुरोहित समाज की तरफ से ज्ञापन दे दिया गया है मजिस्ट्रेट साहब को, व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी से भी मिला जा चुका है, लोगों को अवगत कराया जा चुका है। क्या करना है जिलाधिकारी का, क्या करना है और आपके विंध्य क्षेत्र बंडा समाज का क्या करना है? जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि आम जनमानस को विश्वास में लेकर ही काम किया जाएगा, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का किसी के बहकावे या अफवाह न पड़े, जो भी होगा आम जनमानस को विश्वास में ही लेके काम करना पड़ेगा। कितने लोगों की क्षति होगी अगर ये जाता है, दुकानें जाती हैं, होटल और सब कितने के तो मकानें चले जाएंगे, उसमें कितने लोगों की क्षति होगी? अभी तो बानवे परिवार का जैसा कि ये भी लिस्ट जारी किए हैं कि बानवे परिवार का दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई सर्वदल समाज को लेकर चला जाए तो पूरे विंध्य समाज को ही क्षति पहुँचेगा। ये विंध्य क्षेत्र माना जाता है छोटी छोटी गलियों की वजह से प्रसिद्ध है, ज्यादातर कहीं आप जाएं दुनिया किसी कोने में जाते हैं तो इसकी छोटी छोटी गलियों का ही जो है बात छिड़ जाती है, क्या ये प्रभावित होगा इससे ये जो चौड़ा होगा? यही तो विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के चरणों से जो मंदिर है चारों तरफ यही संस्कृति झलकती है, इनको तोड़ने से कोई विकास का मुद्दा बहुत नहीं झलक रहा है। हमारे तरफ से विंध्याचल में जैसा कि आप देखें रेहड़ापुर पटिगरा नाला की तरफ पानी जमा हुआ रह गया था, जिलाधिकारी से लेकर किसी भी शासन प्रशासन के लोग ने ध्यान नहीं दिया, आज भी गड्ढा की स्थिति बनी हुई है, सड़क की स्थिति बहुत खराब है, पहले इस पे विशेष तौर से इनको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद भाई, अपना नाम बता दीजिए। पंडित भास्कर भट्ट भैया, कुछ करना चाहेंगे आप? मुन्ना भैया कुछ करना चाहेंगे? जी हम कहना ये चाहते हैं कि विंध्याचल में ठीक है शासन प्रशासन ध्यान भी है चौड़ीकरण का, तो ठीक है चौड़ीकरण करे हो ये बात नहीं, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ ये देखे शिक्षा का इतना यहाँ पर वो है कि अभी तक यहाँ न कोई मेल फैक्ट्री न कोई सुविधा। सन 92 से हम लोग एम ए पी एच डी करके बैठे हुए हैं, हमारे परिवार 18 परिवार हमारे इस समय है भाई वर्ग सब मिला के, हमारा पूरा समझ लीजिए कचौड़ी गली पक्का घाट पूरी मकान जा रही है, 8 मकान हमारी वहाँ जा रही है, इसमें प्रशासन से पूछा जा रहा है तो प्रशासन कुछ इसमें कोई पुष्टिकरण नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये मुआवजे की बात करते हैं? मुआवजा का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि इनसे पूछा गया मान्यवर इनको बताइए कम से कम मुआवजा, विधायक जी से पूछा गया कि इसमें मुआवजा का कुछ निर्धारित किया गया? क्या मुआवजा मिलेगा तो क्या आप लोग छोड़ देंगे? नहीं, मुआवजा ये उचित मिलेगी तो उस पे जो है हम लोग कहीं एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये बात नहीं है। ये जो धंधा बिजनेस जाएगा लोगों की दुकानें जाएंगी ये कैसे, क्या क्या ये भरपाई हो सकती है? नहीं,
और भाई देखिए, अब माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में अगर विकास का कार्य हो रहा है तो इसमें हम लोग ये नहीं करेंगे कि इस पर विरोध कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि कम से कम एक उचित, जैसे बनारस के तर्ज पर ये बोला गया कि विंध्याचल धाम का मतलब विकास होगा, तो बनारस के तर्ज पर ही निर्धारित करें ना कि वो करें कि कितना मुआवजा ये करेंगे कि सब परिवार एक अपना जीवन जीवन यापन आराम से कर सकते। भैया अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र गुप्ता और प्रदीप को बोलना। धन्यवाद मित्रों। जैसा कि यहाँ पर मैंने मंदिर का भी दिखाया, यहाँ जनता में आक्रोश भी है। कुछ जनमानस ऐसा कह रहा है कि ठीक है, वो मुआवजा दे रहे हैं, क्या वो बनारस की तर्ज पर यहाँ पर जो है कार्य दिखाएंगे। और रही बात इनके क्षेत्र में पंडा लोगों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, यह माँ विंध्यवासिनी के चरणों में ही जो आदमी होता है बस उसी से उनका भरण पोषण होता है। और रही बात दुकानें, जो दुकान में जो गरीब है 200-300 रुपया महीने की किराए पर दुकानदार है बेचारे ऊपर आ रहा है 50 सालों से, क्या वो जो निर्माण होगा नए तरीके से, क्या वो 300 रुपये में भाड़े पर दुकान मिल जाएगा उनको? क्या वो 50 साल से रह रहे, क्या जरूरी है वो मकान मालिक उनको दे? ऐसा तो नहीं है। तो गरीब जनता भी परेशान होगी। अभी तो क्षेत्र में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी है, अगर जो भी है उनको साफ साफ बात बताई जाए। और वो मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो जैसा है, मेरी जो इतिहास है छोटी गलियों का वो जैसा है वैसा ही बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं अन्नपूर्णा जिला से संवाददाता मिर्जापुर से। मैं यहाँ विंध्य क्षेत्र में आई हूँ, विंध्याचल मंदिर। जैसा कि रोज का मैं डिबेट देख रही हूँ टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, यहाँ पर रोज का लगभग रोज दर्शनार्थी आते हैं। कम से कम जो है 50,000 की संख्या तो आते ही होंगे। और यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, यही इतिहास है हमारे विंध्य क्षेत्र का। इसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगी और कुछ जानना चाहूँगी लोगों से। भैया कुछ बताइए आप यहाँ बारे में, यहाँ पर जो ये गली चौड़ी हो रही है, दुकानें हट रही है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कितने लोगों का व्यवसाय भी खत्म होने घर पर है, कितने लोगों का पूरा घर, और कम से कम 100 वर्षों से तो कम से कम दुकानें सबकी होंगी होंगी। और हमें लग रहा है बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा जिसके पास होटल है, लेकिन जो छोटे तबके के दुकानदार हैं उनके लिए तो ये मुसीबत का जड़ हो गया है। बताइए इसके बारे में। देखिए प्रशासन द्वारा या हम ये कहें कि सरकार द्वारा यहाँ पर मनगढ़ंत ढंग से विंध्याचल की प्राचीनता धार्मिक नगरी को नष्ट करने का एक कुछ अधिकारी के षड्यंत्र से यह कार्य किया जा रहा है, जो कि हजारों लोग रोजी रोटी से प्रभावित तुरंत हो जाएंगे। आज के समय में रोजी रोटी नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है, नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विंध्याचल में हमेशा ये प्राचीन नगरी है, नीचे गंगा जी, बीच में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, बगल में स्टेशन, फिर पहाड़। तो यहाँ हजारों लोग रोजी रोटी है, जो लाखों लोग इससे फलते फूलते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्लानिंग बनाया गया, पहली चीज तो किसी भी जानकार के जानकारी में नहीं है, और यहाँ की जो भी प्लानिंग बनाई गई है किसी को न दिखाई गई न बताई गई है। यहाँ मानसिक प्रताड़ना देने के लिए लोगों के घरों, दुकानों, मकानों में जबरी घुस करके नापा जोखा गया। फिर उसके बाद वहाँ पर अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2 गुना हम आपका इसका मुआवजा देंगे। जैसा कि पिछले मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय स्वयं कहे कि मैं 2 गुना सर्किल रेट से इसका दूंगा। मनमानी ढंग से किया जा रहा है, क्षेत्रीय जनता 100% इसके विरोध में है, और हजारों लोग रोजी रोटी जिनकी बिखर जाएगी रोड पर हो जाएंगे, वो आत्महत्या करने के वो भी विवश हो जाएंगे। राजन पाठक, समाज सेवक, माँ विंध्यवासिनी मंदिर। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे भैया, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बिंद कॉरिडोर के नाम पर तमाम मानसिक उत्पीड़न बिंद क्षेत्र के वासियों का, जिनकी रोटी रोजी रोटी छिन रही है, उनसे बिना किसी सहमति के मनमानी ढंग से नाप जोख किया जा रहा है, कभी 25 फीट, कभी 35 फीट, कभी 40 फीट।
आज तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी लेखा जोखा लिखित रूप से नहीं दिया है। जब भी हम लोग कोई भी कर्मचारी चाहे वो तहसील से आते हैं चाहे नगर पालिका से हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि ये डीएम साहब का आदेश है, मांगने पर वो कहते हैं कि हमारे पास आदेश नहीं है, मौखिक रूप से बताते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, ये जो जैसा है वैसा ही रहे या इसका विकास होना चाहिए जैसा है या ऐसा ही रहे? नहीं, यहाँ के विकास का देखिए कौन नहीं चाहेगा, कौन समर्थन नहीं करेगा, सभी लोग चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर शोषण न हो, विनाश न हो, ये सभी क्षेत्रवासी चाहते हैं। यहाँ अपना नाम बताया, गौतम द्विवेदी। यहाँ पर मित्रों जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया न्यूज में, यहाँ पर विंध्य क्षेत्र की का जो इतिहास है छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसकी जो सुंदरता है ये गलियों से ही है। और ऐसा भी नहीं है यहाँ वैष्णो देवी या अपना बनारस काशी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है लोग आते हैं बहुत ठीक है, यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग आते हैं और जो वैष्णो देवी हुआ और जगह लोग हवाई जहाज से घूमने जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में सिर्फ गरीब आते हैं, गरीबों से ही ये मंदिर आगे बढ़ा है और इसकी खूबसूरती इसकी छोटी छोटी गलियाँ हैं। धन्यवाद, जय माता दी। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के हत्यारों का हुआ एनकाउंटर। जी हां, संभल के कस्बा सोधन मोहम्मदपुर में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के हत्यारों के एनकाउंटर के बाद खुशी इजहार की जा रही है, जहां ग्रामीणों ने हैदराबाद पुलिस की तारीफ किया और खुशियां मनाई जा रही हैं, जहां लोगों का कहना है कि अब हुआ इंसाफ, इन दरिंदों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो। संभल से हमारे संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। हैदराबाद में कांड हुआ था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जी का, अभी अभी चार आरोपी मारे गए हैं जो पकड़े गए थे, अभी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कितनी खुशी जाहिर हुई है? हाँ जी सर, अभी अभी जो चार आरोपी मारे गए आपको कितनी खुशी हुई है? ये बहुत ज्यादा खुशी हुई है, इन लोगों ने अच्छा किया है, इन लोगों का साथ में एनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सफरुद्दीन है। जी सर, जो अभी चार हत्यारोपी मारे गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी हुई है कि ऐसे आगे भी कोई बर्दाश्त नहीं हो, इनका एनकाउंटर बहुत सही हुआ, पुलिस ने जो क्या अच्छा किया है ना सर, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, राजीव नाम मेरा। राजीव जी, अभी जो चार हत्यारोपी मारे गए हैं एनकाउंटर में उनके साथ में अच्छा हुआ है या गलत हुआ है? सर बहुत अच्छा हुआ, पर मेरा कहना मतलब ये पुलिस ने कुछ ज्यादा समय ले लिया, मेरा कहना तो मतलब ये जब ये ऐसे पकड़ गए तभी तुरंत ही जो जानकारी के लिए। आग लगने से पूरी बस्ती हुई जलकर राख। जी हां, मछली शहर मुसहर बनवासी बस्ती में आग लगने से पूरी बस्ती हुई जलकर राख। ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे जीने पर मजबूर है। जी हां, जौनपुर कोतवाली मछली शहर के ग्राम प्रहित में मुसहर बनवासी बस्ती में आग लगने से कई घर जलकर हुए राख। अनाज, कपड़ा, पैसा, मोबाइल, खटिया, बिछौना, पकाने का बर्तन, रोजमर्रा के इस्तेमाल करने की सारी चीजें जलकर हुई राख। भूख से मरने पर मजबूर है, प्रशासन और शासन की मदद से आस लगाए हैं बैठे हैं, लेकिन पहुंची कोई भी मदद नहीं इनके पास। बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे पूरी तरह से हैं प्रभावित, प्रशासन लगा रही है रिपोर्ट पर सिर्फ रिपोर्ट, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, आस लगाए बैठे हैं कि कब मिलती है प्रशासन की तरफ से मदद। न खाने को अनाज है, न रहने को घर है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न बिछाने के लिए बिस्तर, न चारपाई, न पकाने के लिए बर्तन। ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे ठिठुरती जिंदगी जीने को है बेबस, देखकर उड़ जाएंगे आपके होश, लेकिन प्रशासन है कि जो जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। जौनपुर से हमारे संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। कैसे लगी आग और कब लगी? लड़का बुखार रहा है, पानी आ रहा है, आग लग गया। कब लगा? 12 बजे। 12 बजे कभी दिन का है? क्या क्या जल के राख हुआ इसमें? सब जर गया, पैसा जर गया, दाना जर गया, गल्ला जर गया, होड़ना कपड़ा जर गया, कथरे गुदरे जर गया, सब जर गया, बर्तन, आधार कार्ड सब जर गया, राशन कार्ड जर गया, सब जर गया। क्या गांव के प्रधान तरफ से कोई सहायता मिली? मिले जब प्रधान सहारा दिए हैं तो मिले, तो आइए आए। क्या मिला, क्या दिए वो? बहुत कुछ दे है, जवन जवन जर गया सामान दे, खर्चा दे। अभी दिए कि नहीं? नहीं अभी दिए हैं। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला बा। बोलिए क्या क्या बंद कर दिया? हम सब सब बारिश का यही रहा बाटी रह जाइए,
तो कैसे टीचर मारा अपन बंद करवा दिए टीचर दबा ना बनवा देते हम सब यही मरत तो से पानी में ठंडी में एक ठे मर के चला हुआ दामाद। आपका कॉलोनी नहीं बनने दे रहे हैं? नहीं। क्या कह रहे हैं? कब से बसे हैं आप? कई साल से बसे हैं यहाँ पे? चकबंदी के पहले से हम सब बसे बहुत लाख कड़रिया भर हमार मर गया है गाढ़ा है हमार सबके मरथक हो गया अपने में गाड़े है। आपका नाम क्या है पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? समाई। कौन सी बिरादरी के हैं आप? सामने देखिए। क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों आपका कॉलोनी नहीं बनने दे रहे हैं? तो सब आपन बनवाते हमारे पट्टा बा कहे पट्टा हो दिखाओ पट्टा कहिए पट्टा बस बा हमार कहिए पट्टा बा तुहार कहिए पट्टा बा यह बात बा तब यही कहे लागे थे तो कहा से हमार सब आप लोग कितने साल से बसे हैं? आपका नाम क्या है? पप्पू बनवासी। कितने साल से आप लोग यहाँ बसे हैं? 40 साल के हमारे बाप 80-75 वर्ष के हैं, हमारे नाना 100 वर्ष के हैं। आप यहाँ कितने साल से बसे हैं? 40 साल या 50 साल? हमारे बाप 75 साल, हम 40 साल। यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? इतना चकबंदी मेड़बंदी पहले के पार्टी हम जब सड़क मेड़ ना बना रहा रोड ना रहा तब का बसा है। कितना साल हुआ? 100 साल। 100 साल से बसा है साहब सरकार। हम सब पुरका पुरा लिया सब मर गए। कितना साल? 100 साल सरकार पुरका पुरा लिया सब मर गए। हम सब साहब नौकरिया बसाया है पुरका पुरा लिया सब मर गए। पुरका पुरा लिया मर गए नरथर नरथर ये मर सब के ही बगले गया कहा धारी कहा ज्योति बोई कहा रहे लाल लाल लड़के खाए बिना मरत तहन घर दुआर जर गया ठंडी में लाल लाल लड़के मर जात तहन कहा जाए ककरे लगे जाए ककरे घर में जाए ईटा ढेर लगी रे साहेब नाय बनाय दे तहन चमार नाय बनाय दे तहन सब बड़े समझ के रहत हो गया साहेब कहा जाए ककरे लगे जाए ककरे घर में बोल गया जाए ककरे पेट में बोल गया जाए गदेलन हम सब जिए आए। आपका नाम क्या है और ये लोग कितने साल से यहाँ बसे हुए हैं? संजय कुमार पटेल मेरा नाम है। ये लोग बसे कौन सा गांव है? ये पराहित। पराहित पराहित। हाँ बताइए। पराहित गांव है और ये लोग मुसाल लोग यहाँ बसे हुए हैं कम से कम 50 साल हो गया है। 50 साल से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं? यहाँ 50 साल से हैं ये लोग। तो ये जो पट्टा जो बता रहे हैं चमार लोग कि हम इनके नाम से हुआ जब ये 50 साल से बसे हैं तो इनको कैसे करना, उनका पट्टा कैसे हो गया? किसी को पता ही नहीं था कब पट्टा हो गया कब क्या हो गया जो है। अभी लोग बता रहे हैं पट्टा हुआ है, अब वो लोग बता रहे हैं मेरा पट्टा है लो, लेकिन ये 50 साल से ज्यादा ही हो गया है, कम नहीं हुआ। आवासीय पट्टा का नियाद केवल 3 साल का होता है और ये लोग 5 साल होगा या 10 साल होगा पहले हुआ होगा तो, लेकिन ये लोग पता नहीं कब का पट्टा बता रहे हैं और लोग पूछने के बाद बताते भी नहीं है कितने साल से हुआ है कितने साल से नहीं हुआ है। तो इसी वजह से इन लोग को मकान बनने नहीं दे रहे हैं? इसी वजह से प्रधान नीति बहुत लगे हुए हैं भाई बनवाने के लिए, लोग बनने नहीं दे रहे हैं हरजन लोग। माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी दर दर भटक रहा। जी हां, अपने प्रमोशन के संबंधी वेतन के लिए रणजीत सागर डैम पर कार्यरत महेंद्र पाल निवासी जुगयाल कॉलोनी महेंद्र पाल जो कि रणजीत सागर डैम पर कार्यरत है और जो अपने प्रमोशन के संबंधी वेतन के लिए दर दर भटक रहा है, जिसके चलते आज उन्होंने एक बैठक में रणजीत सागर डैम के SC एडमिन नरेश महाजन जी से की और इंसाफ के लिए गुहार लगाई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे इंसाफ के लिए भीख मांगेंगे। उन्होंने बताया कि रणजीत सागर डैम प्रशासन उनके प्रमोशन में रुकावट डाल रहा है। इस संबंध में जब SC एडमिन नरेश महाजन जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जांच की जाएगी। पंजाब से हमारे संवाददाता सुरजीत सिंह की रिपोर्ट। चलो। बस मेहरबानी।
अज दा जिहड़ा एक मैटर साढ़े सामने आया सीगा कि अपने मिंदरपाल जी जिहड़े इत्थे प्रमोट किया गया सीगा उन्हां नूं डेटा एंट्री ओपरेटर वास्ते ते उन्हां वल्लों एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया सीगा कि मैनूं सैलरी नहीं मिल रही ते ओह असीं दसना चाहवांगे कि उन्हां दी पोस्ट जिहड़ी सीगी उन्हूं रिवाइव कोर्ट दे हुक्मां अनुसार उन्हां नूं पहलां प्रमोट किया गया फिर उस तों बाद उन्हां नूं डेटा एंट्री ओपरेटर दी जिहड़ी पोस्ट रिवाइव करन वास्ते सरकार नूं लिखिया गया ते उत्थे सरकार कोल भी परस्यू करन वास्ते साढ़े जिहड़े ऑफिसर है उत्थे डिप्यूट कीते है जिहड़े लाइजन ऑफिसर ते ओ गवर्नमेंट कोल परस्यू कर रहे हैं ते हुण इस वेले फाइनांस डिपार्टमेंट कोल इन्हां दा केस पिया है ते उत्थों होपफुली इस वीक च ही हो के आ जाएगा ते असीं समझने कि इन्हां नूं सैलरी भी मिल जाएगी ते लेकिन असीं यह भी चाहवांगे कि जिहड़ा भी कोई भी मुलाजम है उन्हूं कोई प्रोटोकॉल ब्रीच नहीं करना चाहिए उन्हां नूं अपने जिहड़े भी उन्हां दे डेकोरम है जो गाइडलाइनस है उन्हां नूं अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू ही हैड ऑफिस नूं अप्रोच करना चाहिए वो बार बार उन्होंने सीधे तौर पर सानूं अपनी अर्जी भी देंदे है ते असी फिलहाल तो लीनियंट व्यू लेंदे हुए तो एक सिंपथैटिक एटीट्यूड लेंदे हुए असी इन्हां गल्लां नूं दरकिनार करदे हुए असी सरकार कोलों उन्हां दा केस कराउण वास्ते उपराले कर रहे हैं तो वो शॉर्टली हो जाएगा होपफुली इस वीक च ते उस तों बाद असी चाहवांगे कि अपनी ड्यूटी जिहड़ी है वो गाइडलाइनस हिदायतां और पूरी ईमानदारी तनदेही नाल करनगे धन्यवाद दुष्कर्म करने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जी हां विधानसभा भाटनखेड़ा थाना बिहार में रात एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया पीड़िता की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है और पुलिस प्रशासन ने घटना पर गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है उन्नाव से हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट विधानसभा भगवान नगर के अंतर्गत हम भाटनखेड़ा में आए हुए हैं जहाँ पर पीड़ित को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय और संबंधित IPS सभी अधिकारी मौजूद हैं और मैं उस घटना स्थल पर चलता हूँ जहाँ पर उस पीड़ित बच्चे को जलाया गया girl has been shifted to Lucknow for further treatment so that she is the proper treatment is given to her. That I have not seen the girl. In fact, when I got the information, so I rushed to Unnao, and the girl has gone to Lucknow.
पांच बेटियां हैं और तीन लड़के। किनकी क्या कौन है ये? पांच बहनें और दो भाई हैं। वो राम कसम की बहू। दोनों शादी हुई है? कितनी शादी हुई है? एक शादी लड़के की। अनिल नहीं है, उम्मीद नहीं है। अच्छा बेटियों का नाम बताओ। बस बस अनिल थोड़ा सा कर लो यार, एक मिनट रुक जाओ। एम त्रिवेदी शुभम त्रिवेदी, शिवम कहाँ रहता है? शुभम कहाँ था? घर में किंग और अपने लोगों को उठाया। हमारा भांजा भी साथ में सो रहा था, उसको कल आया। जैसा कि दिखाया गया यहाँ पर जो घटना हुई, यहाँ पर सारे अधिकारी आए हैं, जिला अधिकारी भी आए हैं और आईजी साहब आए हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और आरोपियों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है और कुछ आरोपी शायद मिले भी हैं और जो भी आरोपी हैं उनको कानूनी कार्रवाई करेंगे। सारे अधिकारी ने मुझे ये सूचना दी। ललित कुमार, कैमरा मैन प्रदर्शन। इतिहास की कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।